होती है तो बाद में भी वीडियो बना देंगे इस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी जो है, यहाँ पर MCB लगा रखी है हमने, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, OLR है, ओवरलोड रिले, यहाँ पर मोटर है, और यहाँ पर हमारा NC पुश बटन है, NO पुश बटन है, ठीक है, ये हमारी और ओवरलोड रिले है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहोगे कि डोल स्टार्टर क्यों पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले जब आप इसका कंट्रोल सर्किट पढ़ोगे और इसका पावर वायरिंग डायग्राम पढ़ोगे, तो अगर आप एक बार इसको अगर देख लेते हैं सबसे पहले, तो आपको वो दोनों बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा एक बार दिखा देते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा होगा मैं समझता हूँ, लेकिन अगर इसको एक बार देख लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। उतना ढंग से नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी MCB में R फेस देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नीले की जगह पर हम अपना ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं, येलो की जगह पे, ठीक है, RYB, चलो दूसरा यूज कर लेते हैं हम, कलर येलो लाए तो हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर हमारा वाई हो गया और यहाँ पर नीला वाला हो गया हमारा, ये तीन फेस हमने दिए हैं RYB, ठीक है। अब यहाँ निकल कर हमने आपको दिखाया था अभी कॉन्टेक्टर में, कि कॉन्टेक्टर के हम मेन कॉन्टेक्ट में, जो हमारे कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये वाला है, एक ये और एक ये हमारा ऑक्जिलरी कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो हमने आपको कॉन्टेक्टर में भी बताया था कि कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कॉन्टेक्टर को कॉइल में करंट देना पड़ता है, उसको हम बाद में देंगे, सबसे पहले अपनी थ्री फेस वाली सप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखा देंगे कंट्रोल सर्किट और पावर डायग्राम। सबसे पहले आप डोल स्टार्टर देख लीजिए, डोल स्टार्टर कैसे बनता है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो तीन सप्लाई थी वो सीधे हमने MCB से लेकर यहाँ पर फोल्ड पोर की MCB है और कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट में जोड़ दिया। मेन कॉन्टेक्ट से हम अपना रिले में कनेक्ट कर देंगे इसको, कैमरे में साफ नहीं दिख रहा मुझे ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीनों एक ही पेन से कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको बना देते हैं, ठीक है, ये रेड वाला है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, एक ही पेन से कर दिए जल्दी में। और यहाँ पर अपनी मोटर में कनेक्शन कर देते हैं इसको, तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हो गया हमारा, MCB से सीधा हमारे कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट में गया, फिर OLR में हमने कनेक्शन कर दिया तीन फेस, और फिर मोटर में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको चालू, कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए क्या करेंगे, यहीं से हम अपना एक फेस दे देंगे, ठीक है, यहाँ से ये हमने पीला वाला यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, ये हमारा NC वाला है, और ये हमारी जो OLR है, ओवर लोड रिले, ठीक है, उसके एक सिरे में कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है, OLR का इस तरीके से। तो जो हमारा NC कॉन्टैक्ट होता है उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं OLR का, तो इससे जो निकलेगा हम अपने NO पुश बटन में कनेक्ट कर देंगे, NO पुश बटन से जो हमारी जाएगी कॉइल में कनेक्शन, ठीक है, जो हमने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पर NO से आया था हमारी कॉइल में, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर कनेक्शन किए कॉन्टैक्टर के लिए, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्टर हो गया। अब यहाँ से हमको या तो फेस चाहिए या फिर न्यूट्रल चाहिए यहाँ से, तो हम इसमें यहाँ से न्यूट्रल भी दे सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, यहाँ से हम न्यूट्रल दे सकते हैं, या फिर हम इनमें तीनों में से कोई से एक फेस उठाकर, ये वाला तो नहीं देंगे क्योंकि ये यूज कर चुके हैं, रेड वाला यहाँ पर हम दे सकते थे। अब क्या करना है, अब हमारा पूरा डोल स्टार्टर तैयार हो चुका है, डोल स्टार्टर तैयार हो चुका है, हमको क्या करना है, सिर्फ कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है। तो हम इसका कनेक्शन कर देंगे सीधा इसमें, समांतर में जोड़ देंगे जो इसका ऑक्जिलरी कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डोल स्टार्टर के कनेक्शन होते हैं। अब आप जब कंट्रोल सर्किट बनाएंगे और पावर वायरिंग बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने डोल स्टार्टर बना के दिखा दिया। अब आप जब पावर वायरिंग बनाएंगे तो क्या क्या आएगा उसमें, सबसे पहले देख लीजिए कंट्रोल सर्किट में क्या आएगा। कंट्रोल सर्किट में इतना उठाकर
आप ये वाला जो आएगा ये कनेक्शन, जितना कंट्रोल सर्किट क्या होता है कि मोटर को कंट्रोल करना या फिर मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन करना, ठीक है, जितना भी मोटर को बंद करना, चालू करना, ओवरलोड से प्रोटेक्शन करना, रिवर्स करना, फॉरवर्ड करना, ये हमारा कंट्रोल सर्किट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल सर्किट में सिर्फ यही चीज़ आएगी हमारी, देख लीजिए यहाँ से ये होता हुआ सीधा ये आएगा। अब यहाँ पर हम कंट्रोल सर्किट अभी आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा बन चुका है डोल स्टार्टर कुछ इस प्रकार से। चलिए अब आपको दिखाते हैं कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट कैसा बनेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कॉन्टैक्टर के किसी में से जो तीन फेस हमने दिए हैं उनमें से हम अपने जो एनसी पुश बटन है, ठीक है, उनमें हम कनेक्शन कर देंगे। सबसे पहले तो हम एमसीबी में कनेक्शन करते हैं, सिंगल पोल की एमसीबी है, पहले फ्यूज यूज करते थे लेकिन अब ज़्यादातर एमसीबी यूज होती है, ठीक है। एमसीबी से जैसे हमारा निकलेगा आउटपुट वो हम देंगे एनसी पुश बटन में, और एनसी पुश बटन से जो निकलेगा वो यहाँ पर हम रिले में देंगे, ओवरलोड रिले। यहाँ पर देख लीजिए हमने दिया था ओवरलोड रिले, यहाँ पर रिले लगी, रिले का जो कॉन्टैक्टर, जो कॉन्टैक्ट है एनसी कॉन्टैक्ट, उसमें हमने नीचे वाले में दिया है। तो हम जो एनसी पुश बटन से निकलेगा उसको हम एनसी कॉन्टैक्ट ओएलआर में देंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर वाले में। और फिर इससे जो आउटपुट निकलेगा वो हम अपने एनसी पुश बटन में देंगे, एनओ पुश बटन में, यहाँ से इसमें। यहाँ पर देखिए जो हमने ओएलआर का जो एनसी कॉन्टैक्ट था उससे जो हमारा आउटपुट निकला था वो हमने एनओ कॉन्टैक्ट में दिया था, एनओ पुश बटन में, ठीक है, स्टार्ट करने वाला जो होता है बटन उसमें। फिर उससे हमारा कॉइल में कनेक्शन किया था हमने, यहाँ से देख लीजिए उससे हमने जो कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उसमें कनेक्शन किया था। तो जो हमारा एनओ पुश बटन से जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसको हम कॉन्टैक्टर की कॉइल में दे देंगे ताकि जो हमारा है कॉन्टैक्टर ऑन हो सके। और फिर हम नीचे से कॉइल में अपना एक न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन गया हमारा कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एमसीबी में कनेक्शन किया, फिर एनओ पुश बटन में, फिर जो हमारी रिले लगी थी उसका एनसी कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर हमने बना रखा है अलग से, ठीक है। इसीलिए हमने पहले डोल स्टार्टर बना दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमने एनसी कॉन्टैक्ट में ओएलआर की जो आउटपुट निकलेगा उसको हम एनओ पुश बटन में देंगे। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगी और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पावर वायरिंग डायग्राम। अब पावर वायरिंग में क्या आएगा, जो हमारे सिर्फ इसमें एमसीबी कॉन्टैक्टर के जो मेन कॉन्टैक्ट है उसमें कनेक्शन और ओएलआर के जो मेन कॉन्टैक्ट हैं उसमें सिर्फ इतना ही आएगा हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आर फेस का कनेक्शन करते हैं, ये हमारा आर फेस हो गया और ये बाई फेस हो गया और ये बी फेस हो गया हमारा। ये हम यहाँ पर न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है, इसको न्यूट्रल की हमको अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो यहीं पर हम छोड़ देते हैं और आगे हमारा मेन कॉन्टैक्ट में इसका कनेक्शन कर देंगे। जो तीन मेन कॉन्टैक्ट है हमारे कॉन्टैक्टर में उसमें आगे कनेक्शन करेंगे इस प्रकार से। फिर हम अपनी रिले में कनेक्शन कर देंगे, जो हमारा आउटपुट निकलेगा वहाँ से। मोटर से पहले हमने रिले लगा रखी है ताकि जैसे कोई ओवरलोड अगर होता है तो तुरंत हमारा जो सर्किट है वो ट्रिप हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉन्टैक्टर से जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हम इसमें कनेक्शन कर देंगे अपनी ओएलआर में। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए सभी लोग। फिर जो हमारी रिले है उसके बाद हम अपने मोटर में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमने मोटर में कनेक्शन कर दिया इस प्रकार से, ये बन गया हमारा पावर डायग्राम। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले एक फोर पोल की एमसीबी लिए और फिर एक हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के ये वाला जो हमारा कॉइल है कॉन्टैक्ट है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर यूज़ किया था इसका हमने यहाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है। जो हमारा एनओ पुश बटन लगा है उसमें कनेक्शन कर देंगे इसका ताकि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो सके।
इसमें हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा कंट्रोल सर्किट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो हमने यहाँ पर एनो पुश बटन में लगा रखा है, ठीक है। और जो हमारा रिले वाला है, ओवरलोड रिले का एक जो एमसी कॉन्टैक्ट, वो हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर हमारा ये कंट्रोल सर्किट हो गया और ये हमारा पावर डायग्राम हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने फोर पोल की एमसी भी लिए और मेन कॉन्टैक्ट में कनेक्शन कर दिया तीनों आर वाई वी फेस के। और जो ये वाला कॉन्टैक्ट बचा है इसमें हमने एनो पुश बटन यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है इसमें। और जो तीन हमारे जो फेस निकलेंगे आर वाई वी, उनको हम ओवरलोड रिले में यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, जैसा कि हमने इसमें अपने स्टार्टर में किया था, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए, डुअल स्टार्टर हमारा बनता था उसी का हमने बनाया कंट्रोल सर्किट और पावर डायग्राम। अब इसको देख लेते हैं वर्किंग, वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं पावर वायरिंग डायग्राम, ये कैसे वर्क करेगा। अभी देख लीजिए यहाँ पर हमने आर वाई वी फेस दिया है और कॉन्टैक्टर के अभी यहाँ तक ही हमारा कनेक्शन जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्टर के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे इनो कॉन्टैक्ट हैं। इनो कॉन्टैक्ट को हमको एनसी कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। एनसी कॉन्टैक्ट बनने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उसमें कनेक्शन करेंगे। तो ये तीनों में से कोई एक फेस ले सकते हैं, उसमें से हमने सबसे पहले एमसी भी लगा दिया, वहाँ से कनेक्शन करेंगे तो सीधा हमारा जाएगा एनसी पुश बटन में और यहाँ से तो चला जाए क्योंकि यहाँ पर एनसी बंद है, तो आगे कनेक्शन चला जाएगा। और यहाँ पर हमारा एनसी कॉन्टैक्ट ओएलआर का है, ये भी हमारा एनसी, तो करंट आगे बढ़ जाएगा, अब यहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एनो पुश बटन लगा रखा है। अब यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट है, जब तक इसको हम एक बार प्रेस नहीं करेंगे तब तक करंट आगे नहीं जाएगा। जब हम इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे जो कॉन्टैक्ट थे वो हमारे बन जाएंगे एनसी कॉन्टैक्ट। अभी एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएंगे तो तुरंत हमारी कॉइल जो है वो इनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कॉइल इनर्जाइज हो जाएगी, और जब ये इनर्जाइज हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट हैं एनसी कॉन्टैक्ट वो आपस में चिपक जाएंगे, मतलब एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। जब एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएंगे तभी जो करंट है यहाँ पर रुकी थी वो आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ेगी तो वो आएगी सबसे पहले हमारी रिले में। अब रिले में आएगी तो रिले से होती हुई हमारी मोटर में जाएगी, तब हमारी मोटर जाके स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से था हमारा सर्किट डायग्राम और पावर वायरिंग डायग्राम और यहाँ पर डुअल स्टार्टर, ठीक है। तीनों में अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो तीनों का जो फोटो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को, और तीनों हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।